शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सपने पूरे तो होते नहीं है, इनके पीछे तो दुनिया भागे है। सपने देखे बिना क्या जिंदगी है, आगे तो जाना है। आगे बढ़े हम चलते चले, हम तो कभी ना थकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, रुकेंगे ना अब हम। सोचा यही सपने पूरे तो होते नहीं है, इनके पीछे तो दुनिया भागे है। सपने देखे बिना क्या जिंदगी है, आगे तो जाना है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्या है सर? आई एम फ्रॉम प्रधान मार्केटिंग कंपनी। आपको किचन के कुछ प्रोडक्ट सिखाना चाहती थी। रुको सर, मेरे किचन का काम देखने वाली अभी ड्राइविंग सीखने गई है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे हिमालय जाना पड़ेगा। चलो जाओ यहाँ से। सर चुप चुप बोलो। प्रिय सुनिए जी, लूसी ने कहा मैं और 5 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूंगी तो गाड़ी सीख जाऊंगी। वैसे तुम घर पर क्या कर रहे हो? टीवी पे प्रवचन सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा सुनो बिन्नी, इसके बाद सुपरमार्केट जाऊंगी खरीदारी करने। ऐशु मतलब 2 घंटे से पहले वापस नहीं आओगी तुम? अब बिन्नी तुम मेरा इंतजार करोगे ना? हाँ जरूर जरूर, लेकिन देखो शॉपिंग तुम बड़े आराम से करना समझी। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा तो तुम होम अप्लायंसेस से हो? अच्छा अंदर आ जाओ। सर कैसरोल? नहीं सर, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक साइड बिजनेस भी है। नई फिल्मों की सीडी सिर्फ 100 रुपए में देती हूँ। अच्छा हाँ? दिखाओ दिखाओ। सर आपका भी बिजनेस है? नहीं मैं पुलिस में हूँ। डीएसपी बिन्नी थारकन। हाँ? हाँ तो नई फिल्मों की पायरेटेड सीडी बेचना ही तुम्हारा धंधा है। चुप रहो, ये सारे ठोस सबूत है तुम्हारे जुर्म के। नॉन अवेलेबल अपराध है ये तो। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। प्लीज सर मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये सब तो नॉर्मल फिल्मों की सीडी है। वो सब है क्या? वो सब मतलब एडल्ट मूवी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे है कि नहीं? हाँ ये सब रख ले, चेक करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। अरे
अरे बाप रे, अरे ये क्या है? अरे अरे तो मैं अरे रिपोर्टर भारत विजन। हे ईशु, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम ऐसा मत करो। अभी अभी तो सस्पेंशन और गॉड से प्रार्थना करने के बाद ही मुझे नौकरी वापस मिली है। मेरी बहन प्लीज, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। सर फोन बज रहा है, चैनल से होगा। हेलो वेनु, मेरा नाम वेनु है, एक फेमस टीवी चैनल का एक फेमस कैमरामैन। मुझे पता है सर, मैं आपसे मिला भी हूँ। तो आगे के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर प्राइम टाइम न्यूज में हमने उस महिला के साथ तुम्हारा वो वीडियो चला दिया तो बताओ कैसा लगेगा? नो, मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। आप बताइए ना सर, मैं क्या करूं? लड़के के हाथों भिजवा देना। भिजवा दूंगा सर। ओके। लो सर भी आ गए। अरे ये यहाँ क्यों पड़ा है? हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है तो सिक्योरिटी है तुम्हारी। अरे जाकर न्यूज टेलीकास्ट करो, पैसे आधे घंटे में आ जाएंगे। पिछले 4 महीने से यही बातें सुन रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अरे बस रास्ते में जब पैसे आ जाएंगे मैं भी न्यूज तभी जाके पढ़ूंगा। भारत विजन के शेर हैं ये। हाँ सच है कि मैं शेर था लेकिन चैनल में बिल्ली बन गया हूँ। मैं न्यूज पढ़ लेता हूँ, तुम एक कम रिपोर्ट कोट उतारो। पैसे आ गए। ये 3 लाख। ये देखो 3 लाख रुपए, अपना हिसाब क्लियर कर लो, फिर बाद में मत कहना कि मुझे ऋषि ने पैसे नहीं दिए। सुनो मुझे न्यूज पढ़ने को देरी हो रही है, मैं अपना हिस्सा के लेता हूँ। अरे भारत विजन का आईडी कार्ड फिर से चैनल ज्वाइन कर लिया। स्टिंग ऑपरेशन के लिए गई थी, पुराना कार्ड पड़ा था, सो आज काम आ गया। चलो अंदर चलो। क्या ये सबको सुनाना जरूरी था क्या? चैनल पर टेलीकास्ट कर देती, सबको पता चल जाता। ओहो एथिक्स की बातें कर रहे हो, तभी तुमने भारत विजन छोड़कर अपना खुद का NBI चैनल शुरू कर दिया। NBI? और अब क्या कर रहे हो? हेड होने के नाते अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हो। वेनु सर जैसे भले आदमी की मिमिक्री करने पड़ी है तुम्हें। ठीक है तो जाकर बोल दो वेनु से, फिर आकर मेरी लाश को माला पहना कर शादी कर लेना। वो छोड़ेगा नहीं मुझे। अब वैसे ये सब करने की आदत नहीं है मेरी। सर अब क्या है? मिस्टर कुंजुबेद्दीन 1 बजे आ रहे हैं, हमें उनकी कवरेज करने जाना है। किसी दूसरे चैनल से न्यूज खरीद के अपने चैनल पर चला दो। हमेशा ऐसे ही तो करते हैं। ए रुको सर, 2 न्यूज उठा उसको जोड़कर चैनल पर चला दे। क्या कहा सर? सुन, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थे, उससे ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसी हमारी न्यूज होनी चाहिए जिसका कोई मतलब ना निकले। समझ गया ना? समझ गया। तो चलने का। कितने बड़े मीडिया स्टार थे आप, 1.5 लाख सैलरी थी आपकी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोस्ट में थे आप, ऐसे क्या बात होगी कि आपको भारत विजन चैनल छोड़ना पड़ा? सुन के हंसोगी तुम, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मर रहा था मैं, समझे? हे भगवान, बेनू उसको पता चल गया क्या? हे भगवान, कहीं बिन्नी सर ने तो उन्हें फोन नहीं कर दिया? कल टाउन हॉल फ्री मिलेगा क्या? किस लिए? मेरी बॉडी के अंतिम दर्शन के लिए। हेलो, अच्छा ऐसा, उसे कुछ पता नहीं। नहीं नहीं जाने दो, फालतू का लाठी चार्ज क्या कवर करोगे? अच्छा क्या कह रहे थे तुम, टाइम पास के लिए फोन किया? ये तो हो ही नहीं सकता बेनू, 5 साल के बाद दिल्ली से वापस आए हो और कितने आराम से कह दिया कि मैं वापस आ गया हूँ। ओह बकवास कर रहा है। बिना कुछ काम किए भविष्य में एक आदर्श बनकर दिखाएगा। पैसे भी तो जरूरी है उसके लिए। हाँ। इंदु, राउटर्स और CNN के असाइनमेंट में उसने इतने पैसे कमाए हैं कि कोई भी कैमरामैन 3-4 साल की मेहनत के बाद भी नहीं कमा सकता। जब भी कोई सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो दिल्ली के सभी चैनल इसी की सर्विस मांगते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड और रोरी पैक अवार्ड। ये सब पैसे के लिए नहीं है, दिखावा है। तो फिर किस चैनल के लिए? किसी भी चैनल के लिए लेकिन भारत विजन के लिए। रेणुका मैम आ गई। सूरज, अगर तुमने रेणुका मैम के काम में डंगा डाला तो समझो तुम्हारी नौकरी तो गई। वो देख किधर आ रही है। मुझे जो चाहिए इससे नहीं लूंगा, CEO विजय कुमार से लूंगा। अरे क्या, मैंने कभी भी एक शब्द नहीं बोला। इसने मेरा और मेरी बीवी का शिफ्ट अलग कर दिया, मेरी मॉर्निंग 6 to 6 की शिफ्ट लगवा दी, मेरी बीवी की नाइट 8 to 8 की शिफ्ट लगवा दी। तू जानता है पूरी रात मैं तारे गिनता रहता हूँ। मैं क्यों चुप रहूँ? ये ना
जूनियर रिपोर्टर की पोस्ट में इस चैनल पे आई थी और तब मैं सब एडिटर था। अब बढ़िया ही खुद को एग्जीक्यूटिव एडिटर समझती है। अरुण कम गया। रनडाउन में सबसे पहले मंत्री जी के सेक्स रैकेट की खबर होनी चाहिए, महिला समाज सेविका शारदा और रिटायर्ड डीएसपी रामराजन सही समय पर फोन पर कनेक्टेड होने चाहिए। और अगर तुम किसी बहाने के साथ मेरे पास आए टेंशन मत लो, तो तुम्हें फायर कर हो जाएगा। ये लो ली। जेपी नमस्कार, मैं रेणुका और अब मुख्य समाचार। वडाकर सेक्स रैकेट में मुख्यमंत्री कुंजी मोहिद्दीन का भी हाथ है, डीएसपी ने इसकी पुष्टि की है। कुट्टी कानम आदिवासी क्षेत्र में भू माफियों ने कागजातों के साथ हेरा फेरी की है। और अब समाचार विस्तार में, मंत्री कुंजी मोहिद्दीन भी इस केस का हिस्सा है। ये बात विवाद का विषय बन गई है। वो लड़की जिसे प्रताड़ित किया गया है उसने अपने मुख्य बयान में मंत्री कुंजी मोहिद्दीन का भी नाम दर्ज करवाया है और ये विवाद का विषय बन गया है। इस मामले को सत्यापित करने का दावा रिटायर्ड डीएसपी रामराजन ने किया है, जो कि पहले इस केस की छानबीन कर रहे थे। अरुण क्या हो रहा है? ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं, फोन नहीं लग रहा, जाओ दफा हो जाए यहाँ से। इडियट। पिछले चार दिनों से मंत्री कुंजी मोहिद्दीन दिल्ली में थे। ताजा खबर के अनुसार उन्होंने अभी नेदुमशेरी एयरपोर्ट पर लैंड किया है। सर मैं आए? यस हाँ बोलो। एक कंप्लेंट है सर। तुम्हारी या बीवी की? ओ मतलब सारा खेल आपकी सहमति से हुआ है। देखो यहाँ पत्ता भी हिलता है तो मुझे पता चल जाता है। एक महीना हो गया है सर। सॉरी शी विल डिसाइड। अगर वो डिसाइड करेगी तो मेरी माँ का श्राप लगेगा उसे। हाँ अब इसमें तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? मेरी माँ अपने पोते पोतियों का मुंह देखकर मरना चाहती है सर। इतना लालच भी ठीक नहीं है, पोते को तो तुम्हारे अंदर भी देख सकती है। देखिए सर। हाँ शिफ्ट के लिए उससे बात करो। हाँ? वो कोई देवी है जो उसके आगे मैं हाथ जोड़ूं? देखो तुम उससे जाकर सीधे बात करो, मेरे से यहाँ पर खड़े होकर बहस मत करो। सर आप कुछ करो ना। नहीं आ गई मुसीबत। हम इसलिए तनख्वाह नहीं देते कि लोग यहाँ बैठकर गॉसिप करें, शिफ्ट चेंज करने का सवाल ही नहीं। अगर मानवता के नाते देखे तो टाइम रेटिंग के टाइम पे तो मानवता नहीं दिखती, सहानुभूति क्यों नहीं दिखाते तब? Do you think I'm a machine? सुनो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी है, समझ गए? हेलो अच्छा तुमने देखा? नहीं आ रही हूँ मैं। मंत्री कुंजी मोहिद्दीन अभी गेस्ट हाउस में है, कुछ महिला समाज सेविका और पार्टी मेंबर्स भी हैं। गरम न्यूज मिल सकती है, आप न्यूज संभालना, मैं लाइव संभालती हूँ। एनर्जी देखी, फोकस चैनल के पास शूट करने के लिए वेणु है। राउटर्स वेणु यहाँ पर? दिल्ली से अभी एक हफ्ते पहले आया, पुराने केस की छानबीन करने के लिए आया, पता नहीं क्या होगा। हाँ खाली टाइम में ये न्यूज भी कर लेगा। आज के लाठी चार्ज में सिर्फ एक लाठी इसके सर पे लग जाए सारा खेल खत्म, मेरे दिल को चैन मिलेगा। क्या कहा? देखा वेणु सर कवर करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे फालतू स्टोरी के लिए वेणु सर आएंगे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया था उन्हें आने के लिए। मंत्री जी आने वाले हैं, वेणु जी कहाँ रहते हैं? कभी तो मंत्री जी आ जाएंगे, यहाँ मत खड़ी रहो। अब क्या होगा? जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता मुझे कुछ नहीं। लेकिन हम श्योर नहीं है सर, आपके अपनी पार्टी के सदस्य ही समस्या खड़ी कर सकते हैं। समस्या खड़ी करना और सुलझाना ये बहुत आसान काम होता है, ये सब तुम लोगों के बस की बात नहीं है। रुको मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। तेजित मत होइए, नारेबाजी बंद कीजिए, बंद करिए, अरे बंद करिए, चुप हो जाइए। मैंने कहा ना चुप हो जाइए। अरे मैंने कहा ना मेरी बात सुनिए, चुप हो जाइए। अरे सुनिए तो, मैं यहाँ पर आई सभी महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जितने चाहे नारे लगाइए। कृपया शांति बनाए रखिए, प्लीज। आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद ही आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। आप लोग जो मिलकर यहाँ सारा हंगामा कर रहे हैं इसकी वजह वो डीएसपी है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पुलिस अपनी छानबीन कर ले, अपनी तसल्ली कर ले, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ।
अगर आप लोग चाहते हैं कि जब तक छानबीन हो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूं, तो अगर मेरी पार्टी या मुख्यमंत्री कहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये जो झूठा आरोप मुझ पर लगा है वो मुझे खाए जा रहा है। हो गया ना, चलता हूँ। मोहम्मद, शाम की मीटिंग कहाँ है? राजनिवास में। रेनु, अब ज्यादा भागने से कोई फायदा नहीं, चार लाइनों में ही सब कुछ खत्म हो गया। इतनी सी न्यूज को पूरा दिन टेलीकास्ट नहीं कर सकते। क्या? मैं तो इसलिए आई थी कि वेणु कवर करने के लिए आ रहा था, अगर वो आसपास नहीं तो धमाका हो सकता है। चलिए आप लोग पीछे हट जाइए। चलिए चलिए। छोड़ना नहीं जिसने मुझे जूता मारा। बेटी से, अब बेटी बेटी, अब बेटी बेटी से, हम देख लेंगे। चलिए कोई और बखेड़ा तो नहीं होगा ना? क्या वही सर? हाँ, ठीक है सर। इसने मुझे जूता फेंकते हुए देख लिया क्या? कोई बात नहीं, देख लिया था। ये लो और जाकर चला दो। थैंक यू सर। मंत्री जी ने बड़ी शांति और कूटनीति के साथ अपनी बात रखी और बिना किसी हंगामे के सभा लगभग समाप्ति हुई थी, तभी किसी ने मंत्री जी पर जूता फेंक दिया। तभी कौन करता है, सभी सदस्य भड़क गए और हंगामा करने लगे। मंत्री जी ने बहुत समझाया लेकिन पार्टी के सदस्य बिल्कुल नहीं माने। इसमें काफी लोग घायल हुए, कई लोग अस्पताल। तुमने वो शॉट देखा, उसका रिदम देखा? देख रहे हो इधर क्या गड़बड़ हुई है? अगर एक सेकंड में एक टांग पर अगर 180 डिग्री पर घूमे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही कमाल का होता है, देख रहे हो? मैनू, दो सेकंड में हम दो टांगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर जो फुटेज रिकॉर्ड होगा ना वो सब बकवास ही होगा, और अच्छे फेमस चैनल इसको एडिट कर देंगे, और जो मैं शूट करता हूँ ना उसमें कुछ एडिट नहीं होता। मेरे भाई वहाँ देख, इसमें काफी लोग घायल भी हुए और कई लोग अस्पताल भी पहुंचे। काट दिया इन्होंने। मैनू, होशियार लोगों को एडिट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ हेलो, मैनू बोल रहा हूँ। मैं वहाँ गया, बखेड़ा खड़ा किया और उन सबको शूट किया। अब मेरा फुटेज इस्तेमाल करके अपने लड़कों को एडिटिंग सिखा रहे हो? गधों को कंटिन्यूटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या? कहा सॉरी? सॉरी क्या, मैं अपनी मैं क्या करूंगा सॉरी का? अपना सॉरी अपने पास रखो। ये क्या बकवास है यार, जिंदगी में कुछ करना है या बस खिकी खिकी करते रहोगे? इनको तो शूट का ये भी नहीं आता, हंस क्यों रहते? मैनू देख, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन दोनों के नाम 5 सुपरहिट फिल्म है। ये मेरे चैनल के लिए किसी प्रोग्राम की चर्चा करने आए हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझे कहो, इन्हें मत कहना। तुझे नहीं, सबको बोलूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही बेवकूफ की तरह कैमरामैन बन गया? जानते हो कितने इंस्टीट्यूट ने मुझे गोल्ड मेडल दिया था, कितनी फिल्मों का मुझे ऑफर मिला था, सबको मना कर दिया क्योंकि असली चीजें शूट करने में मुझे मजा आता है। बात करते हैं, भाड़ में जाए सिनेमा।
हाँ एक पैक है। ये वेणु अपने आप को समझता क्या है ऋषि, जैसे कि चाय की दुकान पे कोई सेना की कहानियां सुना रहा हो। बिल्कुल, आर्मी स्टोरीज, कारगिल वॉर जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कवर किया था। वेणु, मुंबई ताज होटल में टेररिस्ट अटैक, उस कमांड ऑपरेशन को किसने कवर किया था? किसी एजेंसी के लिए? एजेंसी नहीं, खुद के लिए किया था। वेरी गुड। सर आप? वेणु कहाँ है? अंदर ही है, आइए। ओके वेणु, देखो। ओ, सोमराजन सर। ऋषि को फोन किया तो पता चला तुम यहीं हो। चिंता मत करो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ओ, छोटी गवाही दो ताकि अच्छा हो सके। सर देखो, आज मुझे एक फैक्स मिला है कि मेरा केस खत्म हो गया। वो आपके लिए था, मैं यहाँ 5 साल बाद आया हूँ ताकि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूँ। लड्डू अच्छे दिख रहे हैं। थैंक्स। थैंक यू। हाँ, जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैंने कसम खाई थी कि यहाँ वापस नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ वापस आना ही पड़ा। लगता है कुछ अच्छा होगा। अरे इन्हें नहीं जानते? एसपी सोमराजन सर, स्पेशल ब्रांच, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड है। एक क्रिमिनल केस में हम साथ थे, ये कंप्लेनेंट थे और मैं डिफेंडेंट। आज के मुख्य समाचार हैं कि मुख्य समाचार, मंत्री कुंजू मोहिंदीन भी इस केस का हिस्सा हैं, ये बात विवाद का विषय बन गई है। कुट्टीकाना आदिवासी क्षेत्र में भूमाफियाओं ने कागजातों के साथ हेराफेरी की है। और अब समाचार विस्तार में। इस गाड़ी में रिवर्स गियर है क्या? इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है सर, लेकिन हाँ यूटर्न मार सकते हैं। वेणु यूटर्न ले ले, ये लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते, इसको ये समझ भी नहीं पाएंगे। तो सुनाओ ना। हाँ तो सुना देना सर, प्लीज सर। लगभग 5 साल पहले। लगभग 7 दिन के भूख हड़ताल के बाद समाज सेविका और कवियत्री राधा देवी का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया है, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती किया है। उनकी मांग है कि चंबाकरा मामले को सुलझाया जाए। उन्होंने घोषणा भी की है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो सामूहिक रूप से भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगी। अरे वेणु सर आ गए। वेणु सर, पुलिस अंदर जाने से रोक रही है। ये है कमिश्नर की परमिशन, अगर लड़की को 1 घंटे बाद होश आता है तो इंटरव्यू ले लेना। सर आप शूट करिए ना। मैं करूँ? तुम चाहते हो फालतू इंटरव्यू मैं शूट करूं? उसे कैमरे में कोई मासूम दिखाना है? बोर होने के लिए मैं बैठा हूं। चलो निकलो, तुम लोग खुद कर लेना। सर परमिशन आपके नाम से, रॉयटर्स वेणु। सर आप साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये पुलिस वाले रोक देंगे। तुम लोग बस परेशान करते हो, चलो। नामुमकिन, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, मैं जनता को उनकी स्थिति के बारे में बताना चाहती हूं। नहीं मिल सकती उनसे। पर क्यों नहीं मिल सकती? कह दिया नहीं मिल सकती। छोड़िए मुझे। अरे बोल रही हूं। ये तड़कते भड़कते मिर्ची कौन है? जूनियर रिपोर्टर भारत विजय सर, उसकी डेयरिंग तो देखिए। अब मेरी बात मान लीजिए। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। छोड़िए मुझे। क्यों चिल्ला रही है? झोपड़पट्टी से आई है क्या? यू कमाल है। पुलिस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़कियों से निपटने के लिए लेडी कांस्टेबल है तो बीच में क्यों आ रहे हो? लड़कियों को सिर्फ लड़की छू सकती है। इन सब को उठाकर पुलिस वैन में डालो। पत्रकार पर हाथ कैसे उठाया? छोड़ो, मारो इस हरामखोर को। वेणु सर है। रॉयटर्स वेणु। हाँ बताओ क्या? रिपोर्टर रेणुका को डीएसपी सोमराजन ने धक्का मारा। हाँ हाँ तुमने देखा? मैंने बड़े प्यार और शांति से कहा कि एक लड़की के साथ इस तरह हरकत करना क्या आपको शोभा देता है? पर उन्होंने मुझसे कहा तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इधर मेरे पास आओ, और फिर मेरे कान पर एक जोर का चाटा चढ़ दिया, फोड़ दिया मेरा कान, और यहाँ मेरी छाती पर लात मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। प्लीज, अब बड़ा दर्द हो रहा है। सब लिख लिया ना? ओके डॉक्टर। हाँ सर्टिफिकेट तैयार है, आप जाके ले सकते हैं। जी चलिए।
अभी आपका हाल कैसा है? दर्द तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, मेडिकल क्लेम ले लूंगा। ए, दर्द हो रहा है पूछ रहे हैं? हाँ? पेन पेन। हाँ दर्द दर्द है, ये कान ब्लॉक है ना, इसलिए जो बोल रहे हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पट्टी हटाने से कुछ नहीं होगा, ये कभी सुन नहीं पाएंगे। वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? ईयर ड्रम फट चुका है, सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। हाँ ठीक है। वेनु टेंशन नहीं है क्या? वो वेनु टेंशन मत लेना, तुम्हें सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि डॉक्टर ने क्या है यार, इमोशनल फिल्म की तरह क्या अटक अटक के बोल रहा है भाई? तुझे तुझे कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर। अरे क्या बेवकूफी तरह बोल रहा है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम बहरे हो गए हो, तुमने हमेशा के लिए अपने कान खो दिए। वो डॉक्टर कह रहा था कि सुनने के लिए कान में हेयरिंग मशीन लगानी पड़ेगी। हाँ अब ये भी गए। एक बार एक चित्रकार ने एक लड़की के प्यार में पड़कर अपने दोनों कान काट दिए, और हे प्रिय मैंने भी अपने दोनों कान खो दिए तुम्हारे लिए, वो भी बिना प्यार में पड़े, इसलिए मेरी आभारी रहना। वो बात जो तुमने कही ना, कौन सी बात? हाँ वही बात, तुम्हारा मामला सेट हो गया तो प्यार हो सकता है। अब तो देर हो गई, पहले से इतनी देर हो चुकी है, अब जाकर टैक्सी लेकर आना। ओके। अरे जल्दी जाना है। रेनू रेनू हे भगवान, उसके बाद इन्हें दोबारा मिलना चाहिए था, लेकिन प्यार व्यार नहीं हुआ, यही उसको सर पर चढ़ाए रखे हैं। आपके इस प्यार की शुरुआत का असली कारण तो नहीं था, आगे मैं इस कहानी से गायब हो गया। अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद Where are you? अच्छा प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं बाद में फोन करती हूँ। hey, बहुत जरूरी है, एकदम एक्सक्लूसिव। हाँ? उसको कवर करना है। किस बारे में? मुझसे मिलो फिर बताता हूँ, बाहर ही हूँ। मुनाचा सुन, एक्सक्लूसिव न्यूज मिली है, उसी के लिए जा रही हूँ। लेकिन कवरेज के लिए कौन आएगा? कवर करने के लिए आ रहे हैं ना वेनु सर, रॉयटर्स वेनु, कैमरामैन वेनु और रिपोर्टर रेणुका। आ जाओ बैठो। ऐसा क्या एक्सक्लूसिव है? बताता हूँ। ये कौन सी जगह है? केल्विन जोसेफ गेस्ट हाउस, ऋषि के चैनल में पैसा लगाने वाला, ये वही आदमी है, उसी का है। इसमें क्या एक्सक्लूसिव है? है ना, यहाँ और कोई नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। एक्सक्लूसिव मतलब यही हुआ। चलो चलो आओ आओ ना। ए, ए, मेनू, मेनू, रुको। आओ। क्यों? इरादा क्या है? इरादा वही जो होना चाहिए। अच्छा तो जाओ दीवार चढ़ के दिखाओ। ओ, अच्छा नहीं प्लीज, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले नहीं कर सकती। क्यों ऐसा ही सोच रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर? अरे बाप रे, ये बात सुनकर तुम कितनी उदास हो गई है ना। अच्छा अरे चलो ना, चलो। खाना बनाना आता है? बिल्कुल आता है। ओके किचन कहाँ है? वहाँ है। क्या लोगे, चाय या कॉफी? वो बाद में, पहले मेरा गाना सुनना होगा। गाना? हाँ म्यूजिक ट्रैक करोगे? हमें अपने आने वाले भविष्य में दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, शायद इसके लिए झगड़ा भी हो सकता है, एक तुम्हारी कुकिंग और दूसरा मेरा म्यूजिक। मजा आएगा, मैं इसको प्ले करके सुनाता हूँ। पहले दीवार चढ़ के दिखाओ। फिर क्या हुआ? आपका मूड ऑफ हो गया सर, कुछ बुरा हुआ क्या? इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसी बात को सोच सोच कर दुखी है ये। तो कोई डॉक्टर से मिलिए। कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। अरे कोई ऐसे बच्चा कैसे पैदा कर सकता है यार, बेवफा कहीं की चुड़ैल, खून पीने वाली चीटर।
ना तुम ये नहीं कह सकते। कह सकता हूँ, उसने मुझे भी धोखा दिया है, आगे मैं बताऊंगा। बात तब की है जब मैंने भारत विजन छोड़कर अपना NBI शुरू किया। चैनल लॉन्च होने के 2-3 दिन पहले जब ये दोनों प्यार करके थक गए ना, तब इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। प्रख्यात NRI बिजनेसमैन और केरल राज्य के रहने वाले राजन कर्था जी केरला राज्य सभा संसद के लिए नामांकित किए गए। हाँ, सुन, वो रिपोर्ट तैयार करके चैनल भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। राज्य दल के प्रेसिडेंट और भावी मुख्यमंत्री मार्थन पिल्ले को केरल राज्य के अन्य विरोधी पार्टियों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। राजन कर्था ने नामांकन का जिम्मा लेते हुए कहा कि अब केरला के पास एक भी उम्मीदवार और MP नहीं है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। हाँ, ये मुझे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौन सा लक्षण? जब हमारा चैनल लॉन्च हो रहा है तभी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। अभी सारा माहौल गर्म है इन खबरों से। हाँ, सही कह रहे हैं आप, जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। आज से सारे न्यूज चैनल वाले राजन कर्था और ब्रह्मनाथन पिल्लई पर ही फोकस करेंगे और हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ 2 दिन में दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। फिर उसके बाद देखना, गुड, सारे चैनल खत्म। कुछ रोमांचक स्टोरी? मेरे पास एक्सक्लूसिव स्टोरीज रेडी है ना, बस हमें ये तय करना है कि कौन सी स्टोरी चलाएं। ये लो। इन सब में से एक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सबसे एक्सक्लूसिव है वो, और वो है वेनु। दूल्हे राजा। अरे ये है बेनु। अरे कौन नहीं जानता इनको। केल्विन जोसेफ मेरे पार्टनर। मैं जानता हूँ इनको, इस पर सारा पैसा मत लगा देना, चालू है ये। अरे चुप कर। चलो, हम लोग शादी कर रहे हैं, है ना? कोई इनविटेशन नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज है। ऋषि ने बताया था, बधाई हो। थैंक्स। अरे बहनू, कल सिर्फ सिग्नेचर ही करना है ना, रेनू को लेकर कहीं दूर मत चले जाना, मेरी सब एडिटर है ये। चल बे जमीन पर आ जा, अभी चैलेंज शुरू नहीं हुआ है, अभी से हुकुम चला रहा है। जाओ जाओ। पापा चाहते हैं कि हमारी शादी हो विधि के साथ। तो फिर किसी और को ढूंढ लो जो 17 घंटे दांत फाड़ के खड़ा रहे, वही ठीक रहेगा। मैं तो बस बता रही थी उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो फिर तुम्हारे पापा के लिए ढूंढते हैं, तुम्हारी माँ मान जाएगी ना। हे भगवान, बिल्कुल कटीले पेड़ की तरह है। मैं कटीला पेड़ हूँ? मैं फूल नहीं हूँ। अरे बहनू, अरे कल तो तेरी शादी है, थोड़ा रुक जा। मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है दोस्त। ऋषि, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चैनल में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अकड़ कर चलूँ, ये बिजनेस है। मुझे किसी भी तरह की पार्टी या धर्म में उलझ कर रहना ही नहीं है। रेटिंग और न्यूज की कॉमर्शियल वैल्यू, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऋषि बिल्कुल सही, वरना हम क्यों आभार व्यक्त करेंगे। एक आदमी अपने घर आता है, फ्रेश होकर इंतजार करता है कि बच्चे सो जाए, 2 घंटे टीवी देखता है, कार्यक्रम समाचार जिसको हम मीठा बनाकर प्रस्तुत करते हैं, पूरे कहानी का कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं, कहानी बदल जाती है। बंद करो ये सब। एटीट्यूड प्रॉब्लम, हमेशा की तरह। बिल्कुल, अगर मेरा एटीट्यूड बदल गया तो तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम्हारे चैनल के लिए, किसी भी पेमेंट पे। हेलो। हाँ रेणु, मनीलाल, एक शॉकिंग एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेंट न्यूज मुझे मिली है। क्या तेरा चैनल आज या आज रात को ऑन एयर हो सकता है? हमारे पास एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो किसी के पास नहीं है, बोल हाँ या ना। हाँ बिल्कुल। हे सुनो, हमारा चैनल आज रात ही लॉन्च होने जा रहा है, सारी तैयारी कर लो। 6 बजे तक प्रमोट चालू हो जाने चाहिए। और हाँ सर, NBI आज रात 10 बजे लॉन्च हो रहा है, इस खबर के साथ पूरा शहर और स्टेट सकते में पड़ जाना चाहिए, प्रमोट इंटरनेट पर पहुंचाना चाहिए। ओके यस। ऋषि, हम प्रमोट जनता को दिखाना चाहते हैं, जनता इंतजार करेगी, अगर ये खबर गलत निकली तो हम क्या करें। हमारे पास तो पहले से 4 स्टोरी पड़ी हुई है ना, वो भी जनता को हिलाने के लिए काफी है। राधे, इसको क्लेरिफाई करके आगे फॉरवर्ड करो। क्या है? 5M waterproof USB wire camera। मिलिट्री ऑपरेशन करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे हम शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में भी शूट कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत? 62 डिग्री वाइड विजन के लिए काम आता है। AV डिटेल्स एकदम क्लियर होती हैं, हाई रेजोल्यूशन है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करनी है तय कर लिया? गाड़ी में ही शुरू कर दें? अभी करना है। हाँ बिल्कुल, अगर विजुअल में ही तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा तो इस वीडियो को बनाने से तुम्हें फायदा क्या होगा। कम ऑन।
ओके रेडी रेडी रोलिंग। भारत की राजनीति और कानूनी अर्थव्यवस्था में ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो पैसों की ताकत से कुछ भी संभव कर सकते हैं, और आज हम आपको ऐसे ही एक हिला देने वाले दृश्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य राजन कर्था और लोकतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट भारत पिल्लई को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो कहा है वो हम देख सकेंगे। रेणी तुम तैयार हो ना? कैमरा। सर। उसे ठीक से एडजस्ट कर। पैन राइट, पैन राइट। जी सर। ओके सर। ओके ओके फाइन लेट्स गो। कहाँ रखना है? ये फिर इसको ऑफिस के अंदर रख दो। पुराना फ्रिज क्यों रिपेयर करवाया? नया फ्रिज नहीं खरीद सकते हो क्या? ऐसे ही हमारे बर्तन सर अलग है बिल्कुल, और अनोखे भी हैं। वर्गीस। यस सर। आज मैं बहुत थक गया हूँ, आप लोगों से कल मैं मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए। ये कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए। नमस्कार। वर्गीस, किसी को अंदर आने मत देना। ठीक है सर। जब तक फैसला नहीं हो गया तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। पार्टी के सदस्य तो नहीं मान रहे? सब लोग यहीं पे रोना धोना करते हैं। दिल्ली तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा प्रस्ताव मान लिया। जो हाथ में होना चाहिए वो कहाँ? दे रहा हूँ। बिल्कुल सच है, ये चाबी आपके फ्रिज की है, इसे रिपेयरिंग के बहाने मैंने यहाँ मंगवा लिया था। इसे देखकर आपको ठंडक मिलेगी। आपने जितना कहा लेकर आया हूँ, गिन लीजिए। ये राज्यसभा की सीट के लिए तो काफी है, लेकिन जल्दी केंद्रीय मंत्री का ताज भी पहना दूंगा, तब भूलना मत। चिंता मत कीजिए, मुझे इसकी तरह सब कुछ याद रहेगा। बिल्कुल। वापस आ रहे हैं। क्या था पापा? चलो। अरे कहाँ? क्या हुआ? साइन ऑफ दो। तुम्हारे पीछे पिल्ले का घर दिखना चाहिए। चलो।
कम ऑन रेडी। मैं रेणू का कैमरामैन वेणु के साथ सीधे भाटा पे लेके घर से। ठीक है चलो। पुलिस पुलिस चलो चलो जल्दी करो। यहाँ से आप सीधा जाइए, आगे से एक चक्कर मिलेगा, वहां से राइट ले लेना, वहीं पे है बंगला नंबर 7। चलो चलो निकलो। ए इधर आ, कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं। उस गाड़ी में कौन गया? वो गाड़ी वाला रास्ता पूछ रहा था इसलिए बता दिया। हेलो, ऐसा ही एंथनी बोल रहा हूँ। क्या बात है, अभी तुम कहाँ पे हो? मैं ठीक आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। हमने शक के आधार पर एक आदमी को पकड़ा है। मुझे शक है कि वो एक पत्रकार है। क्या? प्रेस रिपोर्टर। प्रेस रिपोर्टर? ये लोग ऐसे पकड़ के लाए जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मैं एक नेशनल अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हूँ। ओके ओके, हमारे इस राज्य में पुलिस वाले को रॉयटर्स का मतलब पता ही नहीं है। आप लोग जरा बाहर रुकिए। वेणु बैठिए। नहीं ठीक हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या देखा और क्या शूट किया? सीधे सीधे मुंह खोलता है कि ए, तुम चुप करो। आप जो सोच रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। बाद में पता चला कि वो सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी। कैसे? करता सर जब आए तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, न उनके पास कोई बैग न ब्रीफ केस था, यानी कोई पैसा नहीं। सर, पुलिस ने सुवेन को चेस करके पकड़ लिया है। वायरलेस पे मैसेज आया है। और सर, वो वैन किसी एमबीआई चैनल की है। वो चैनल आज रात ही लॉन्च होने वाला था। टीवी पर मैंने न्यूज देखी है, गाड़ी में कुछ नहीं मिला, सिर्फ ड्राइवर ही था, इसलिए उस ड्राइवर को जाने दिया। NBI, News Bureau of India. Tonight at 10 p.m. we are launching. एक चौंकाने वाली खबर लेकर आ रहे हैं हम आपके पास आज रात 10 बजे। ये खबर हमें चौंकाने वाली है, बोलो ना। अगर ये हमसे रिलेटेड है तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम उसे अभी निपटा लेंगे। मैं तो अभी तेरी अर्थी निकाल दूंगा। मुझे कुछ पता नहीं, सच में कुछ पता नहीं सर। वर्गेश, हाँ, एम्बुलेंस वाले को फोन करो, 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचनी चाहिए। ठीक है। हेलो, हाँ, भरतन पिल्लई। हेलो हेलो, कौन था? पता नहीं कौन था, फिर से कॉल करो। फोन स्विच ऑफ बता रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग, NBI, न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया। जो सच है सही है वही समाचार, और सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। NBI पूरे सच के साथ मौजूद है और हमेशा रहेगा। एक फ्रेश और नया चैनल होने के नाते हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ धमाका करने वाले हैं। हमने कितनी बार चैनल पर आत्मसमर्पण होते देखा है, आज हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे पूरा शहर हिल जाएगा। और ये सच पेश करने वाले कोई और नहीं, एक पादरी है। ये 2003 की एक ऐसी घटना है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सॉरी वेणु, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। वर्गीस, इनको जहाँ भी जाना छोड़ कर गया हो। सॉरी। तुम क्या अंधे हो जाते हो भाई? कौन मैं? एम्बुलेंस कौन बुला रहा था? ये खबर सच्ची होती तो हमें यहाँ से इमीडिएट निकलना पड़ता। सारा कैश क्या करते तुम? एम्बुलेंस ना उसी लिए मंगवाई थी। 2003 को जो भी हुआ उसे विस्तार से बताइए। ये कौन पादरी है? देखिए, आज तक मैंने जो कुछ भी कहा है। ऋषि, हाँ, क्या हुआ वेणु? रेणु कहाँ है? हाँ, तेरे साथ ही तो गई थी रेणु। तुम्हारा अंतिम समय तक इंतजार करते रहे हम लोग, तुम नहीं आए तो नई स्टोरी चलाई। वेणु, हुआ क्या, बताता क्यों नहीं? मैंने उसे ठीक 9 बजे भेज दिया था, फुटेज भी उसी के पास है। तो कहाँ गई वो? तुम्हें लगता है वो धोखा देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम परेशान मत हो। क्यों ना हम ही इस घटना को ऑन एयर कर दें? और आज हम आपको ऐसे ही एक हिला देने वाले दृश्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य
राजन कर था और लोकतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट भारत पिल्लई को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। तुमने इसको दूसरे चैनल पे ऑन एयर करवा दिया, मेरा तो चैनल शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। तुम जो लॉन्चिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे वो सारी बातें बकवास थी, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करता, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भाड़ में गया चैनल। सीधे भारता पिल्लई के घर से कैमरामैन वेणु के साथ मैं रेणुका। सर तुमने उसे कहाँ ड्रॉप किया था? फ्लाईओवर के पास छोड़ा था, फिर वो किसी और गाड़ी में निकल गया। चलो अभी भारत विजन चलते हैं। सब खत्म। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक धोखेबाज हो। हेलो वेणु, तुमने मुझे कितना नीचे भेज दिया, मैं कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया था। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, जब घाव गहरा हो तो उसका दर्द भी बहुत हो जाता है, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी मीटिंग में यह फैसला लिया है कि श्री भारतन पिल्लई की प्रेसिडेंशियल पोजीशन को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने विजिलेंस से आग्रह किया है कि करथा और भारतन पिल्लई के खिलाफ जांच शुरू की जाए। उम्मीद है कि ये जांच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं एक दिन भी लेट होता तो मुझे घर की कचहरी में हाथ बंधे खड़े रहना पड़ता माफी के लिए। माफ कर दो मुझे। मैं नहीं माफ करूंगा, उसने मेरा NBI चैनल बर्बाद कर दिया। वेणु सर आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं, भारतन आज की तारीख में मुख्यमंत्री हो गया होता लेकिन अभी तक स्टेट मेंबर ही है। 5 साल हो गए हमें NRI बने, हमने राजन करता के बारे में कुछ नहीं सुना। ए, ये सब उन्हीं के आदमी हैं। भगाओ इनको, मुझे भूख लगी है। तेरी बाइक कहाँ है? बाइक निकाल। तूने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी? हाँ दे दी। ऐसा कहाँ से है, कहीं बड़ा हाथ मारा है? तुमने उधार देने से मना किया तो मैंने तुम्हें ही बेच दिया। कैसे? हमें DSP की कंट्रोवर्सियल फुटेज मिली थी। हाँ। किसी ने लड़के ने रिसोर्ट में शूट किया था, मैंने वो फुटेज उसको दिखाया और तुम्हारी आवाज में उसको धमकी दी और 3 लाख रुपए मिल गए। चल बाइक रोक। ए, अरे अरे रोक, मार मत बाइक रोक। अरे क्या 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 अरे क्या कर रहा है यार, गिर जाएंगे। हेलो बाइक रोक। अरे तूने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। अरे अरे मुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे, अरे, अरे तेरी तो अरे अरे, अरे तेरा दोस्त तेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या? अरे अरे मुझे बदनाम करता है। अरे हाँ मार चुका है तो जोड़ यार। अबे कहाँ गया? अबे इधर आ। अरे 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 मेरे नाम खराब कर दिया तूने। रास्ते पे तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटे अबे छोड़ ना यार, मेरी इज्जत। ए रुक जाओ रुक जाओ। पुलिस पुलिस, ये क्या 20 सड़क में गुंडागर्दी कर रहे हो? कुछ नहीं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज कर रहे थे? मैं करवाता हूँ एक्सरसाइज। ए इन्हें जिम में डालो। वेट, मैं खुद चलता हूँ। ए बाजू हटो। ए तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? अगर हाथ उठाए तो ठीक नहीं होगा, कल सारे चैनल पर तुम्हारे असली चेहरे की कवर स्टोरी बनाकर चला दूंगा। मुझे पकड़ने आए, मैं रॉयटर्स वेरू अवार्ड विनर, मुझे जानते नहीं हो क्या?
ठीक है बड़े आदमी होंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप ऐसी हरकत करेंगे तो मैं क्या करूंगा बताइए। ओह अब हो गई तो मैं क्या करूं सर। ये रोज ऐसा ही ड्रामा करता है। जब भी पुलिस वाले इसे किसी बीच रास्ते में पकड़ लेते हैं तो ये चैनल का ड्रामा शुरू कर देता है। कुछ नहीं है सर, ये बस शादियों में वीडियो शूटिंग करता है ये। एक मिनट मैं खुद चलता हूँ। बैठ जा, चल घसक। फ्रांसिस इसकी बाइक पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ओके सर। एक लीटर पेट्रोल भी भरवा देना। हाँ चलो थाने भरवा दो पेट्रोल। क्या कर रहे हो? खड़े नहीं, मैं कहता हूँ खड़े। अरे मैं नहीं उठूंगा। अरे सर उठिए सर। अरे ये क्या हो रहा है? अरे साहब ने परेशान कर दिया, बरामदे से बेंच ले आए यहाँ सोने के लिए। मुझे लॉकअप में बंद करो नहीं तो मैं यही सो जाऊंगा। मैं डेली रात को 10 बजे दूध पीकर सो जाता हूँ। मेरा टाइम हो गया, कोई दूध लेके आ जाओ। नशेड़ी कहीं का ड्रामा कर रहा है। ए तुम लोग किसी को बुलाते क्यों नहीं बेल के लिए अपनी? सर हम दोनों का कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। अब किसको यहाँ बेल के लिए बुलाएं? सर सर ये फैन ऑन कर दो ना। सुना नहीं साहब के लिए फैन ऑन कर दो। कहाँ है अब ये आधे रात को कौन परेशान कर रहा है? अगर कोई बहुत जरूरी कॉल है तो बोल देना कल फोन करें, मैं सो गया। हेलो कौन बोल रहा है? क्या मैं रॉयटर्स के स्ट्रिंग कैमरामैन वेनु से बात कर सकता हूँ? किसका फोन है सर? अनाथालय से है। चुप। हेलो मैं एडवोकेट मनीलाल, केस क्या है? वकील साहब आप बात को आगे मत बढ़ाइए, उनसे कहना कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। इंस्पेक्टर मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि जब आपका मुझसे सामना हुआ था आधी रात हो चुकी थी, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। वेनु मैं कल शाम से तुम्हारे नंबर पर ट्राई कर रहा था, फोन बंद था। मगर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एडवोकेट मनीलाल, कुछ बात करनी थी आपसे। किस बारे में? इट्स अबाउट एन एक्सक्लूसिव। ये कितना एक्सक्लूसिव है ये तो कल ही पता चलेगा जब मुझे होश आएगा। चलो चले। अच्छा आप बताओ क्या एक्सक्लूसिव है? आज तक न्यूज चैनल के इतिहास में ये एक्सक्लूसिव न्यूज किसी ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन इस न्यूज के लिए जान दांव पर लगानी होगी। मैंने जान बहुत बार दांव पर लगाई है, उसकी चिंता मत करो। मामला क्या है बताओ? बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मुझे एक पर्टिकुलर चैनल से मिली है और उन्हीं के लिए स्टोरी कवर करनी होगी। उनका रिपोर्टर आपके साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर एक बार इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई तो आप पीछे नहीं हट सकते। मिस्टर लॉयर वैसे मेरे भी कुछ एथिक्स हैं, एक बार कमिट किया तो कर दिया। मीन्स यू एग्रीड? अग्री, लेकिन एक शर्त है, क्या करना है कैसे करना मैं तय करूंगा। ओके मंजूर है। हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, यहां से ही ऑपरेशन आपको कवर करना होगा। ऑपरेशन एक मर्डर और इसको प्लान किया है केरला स्टेट के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर ने। सॉरी मैं इस तरह का काम नहीं करता, तुम किसी और को बुला लो। वेनु वेनु प्लीज। कौन है वो आदमी? भारतन पिल्ले के ग्रुप में एक आदमी है, कौन है क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ आपको अश्योर कर सकता हूँ ये इन्फॉर्मेशन 100% जेन्युइन है। ठीक है मुझे जगह बताओ, टाइम और डेट, और जो रिपोर्टर मेरे साथ आ रही है वो कौन है? रेनु। ये और अब इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। मिस्टर वकील मुझे वापस छोड़ दो। ए, रेनु पहले मेरी बात तो सुनो। रेनु अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारे एग्री होने के बाद ही मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे डिस्क्लोज की थी और तुमने अपने एथिक्स का भरोसा भी दिया। मैंने पहले क्यों नहीं बताया कि ये धोखेबाज मेरे साथ काम करने वाली है? तुमने सिर्फ ये कहा कि कोई रिपोर्टर है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले उसको सब कुछ बता दो।
रेणुका को भूल जाओ, इससे कुछ और समझो। एक्स पाए, तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो, एकदम प्रोफेशनल की तरह। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ और ये बहुत ही रिस्की काम है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ मिलकर काम करे। देखो तुम अपने पर्सनल इश्यूज बाहर रखो, इस एक्सक्लूसिव से सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो। अभी रेणु से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। वेणु, तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, प्लीज प्लीज वेणु। ओके, पर मेरी एक शर्त है, जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं सिर्फ अपने तरीके से काम करता हूं। इस काम में मैं सारे डिसीजन खुद लूंगा, मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। श्योर। एक और चीज, मुझे एक DCNG वैन भी चाहिए विदाउट एनी क्रू। ओके, जो भी विजुअल भेजूंगा वही ऑन एयर किया जाएगा, मेरे फुटेज में नो एडिटिंग एंड नो इंटरफेरेंस। समझ गया। अब मेरे अकेले की फीस 10 लाख रुपए। ये लो एडवांस रख। रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी शर्तें खत्म नहीं हुई है। जो भी विजुअल चलाया जाएगा उसकी एक स्क्रिप्ट, विजुअल्स एक्सक्लूसिवली कवर्ड बाय कैमरामैन वेनु, किसी रिपोर्टर का कोई इंट्रो नहीं और ना ही साइन आउट। मंजूर है। इस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 12 घंटे हैं, सारी डिटेल्स रेणु के पास है। ओके, अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर ही है। वेणु, रेणु का शेक हैंड। ए, वो जरूरी नहीं है। अरे वैसी फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल रहा था, बी प्रोफेशनल। वेणु प्लीज। कैश उसकी गाड़ी में रख लेना। कोई इंट्रो नहीं, कोई साइन ऑफ नहीं, फिर क्यों मेरे साथ जबरदस्ती चिपक रही हो? मैंने सोचा अगर बदला लेने के लिए तुम फुटेज लेकर भाग गए तो। इस तरह की घटिया हरकत करने वाली सिर्फ एक ही औरत है और वो हो तुम। वेणु, एक चीज तो भूल ही गया, उस लोकेशन में DSNG का सिग्नल बड़ा खराब रहता है। अगर ऐसा हुआ तो हम वैन के बिना नहीं जा सकते, ठीक है? हाँ ठीक है, अब तुम दोनों अपना प्लान तैयार करो। दोनों नहीं, सिर्फ मैं। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। सुन तो लो। कहा ना नहीं। हम अगर कोशिश करें तो मरने वाले को बचा सकते हैं। तुम जैसी धोखेबाज औरत ये बात कह रही है? खून तो होना ही है, लेकिन अगर हम बीच में पड़े तो वो शायद बच सकता है। ये तुम्हें लगता है? हाँ लगता है। तब तो मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं फंसूंगा और तुम्हें भी फंसाऊंगा। Come on, be serious. मैं सीरियस हो जाऊँ? सच में अगर मैं हो गया ना तो तुम हॉस्पिटल के ICU में पड़ी मिलोगी। तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ भरा पड़ा है अंदर, तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। बाहर में जाओ। पीछे की तरफ रहना, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना, मुझे चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है। शानदार प्रॉपर्टी है। इस पर तो केस चल रहा था, सरकार ने 15 साल पहले इंक्वायरी की थी, यहाँ तो वॉचमैन भी नहीं है। वैसे क्राइम कितने बजे होने वाला है? रात 8 से 9 के बीच में। टाइम तो ऐसे फिक्स किया है जैसे कोई शादी का मुहूर्त हो।
पहले डर तो नहीं लगेगा ना? मैं ऊपर जा रहा हूँ। नहीं लगेगा। अच्छा, तुम यही इंतजार करो, थोड़ी देर बाद डर और बढ़ जाएगा। अगर जरा सा भी शोर किया तो जान से मार दूंगा। के कारण शोर मचाया, मुंह में कपड़ा ठूस लो, आवाज नहीं करना। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम ऊपर कैसे आ गए? मैंने 6-7 साल मार्शल आर्ट सीखा है, ब्लैक बेल्ट हूँ। हे कार, तुम्हारे कबूलने से मुझे वो सब कुछ वापस तो नहीं मिलेगा ना? मेरी छवि, मेरा ओहदा, जो मैंने 5 सालों में बड़ी मेहनत से कमाए थे। सुगना, अगर हम तुम्हारी जुबान खींचे तो कैसा रहेगा? जब तुमने एक चैनल से मिलकर हमें धोखा दिया, तुम्हें अच्छी तरह से पता था मेरा इतने साल का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हारा अंत कैसे करूंगा, इसका मजा तो ले लूं। ले जाकर लटका दो इसको।
हेलो वेणू, रेडी हो? हाँ, मैं अभी फुटेज अपलोड करने जा रहा हूँ भारत विजन के लोगों के साथ। ट्रोलिंग स्क्रिप्ट भी ऊपर चला देना। ओके। जब तुम स्विच ऑन करोगे तब मैं यहाँ टीवी देखना शुरू करूंगा। अगर कोई भी एडिटिंग हुई तो याद रखना। ओके वेणू, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। यस। सुनो, जैसे ही वेणू फुटेज चलाएगा तुम अपनी स्क्रिप्ट भी चला देना, समझ गए? ठीक है सर। इधर आओ। गेट रेडी विद डीएसजी कैमरा एंड एवरीथिंग। विद इन हाफ एन आवर हमें भरतन पिल्लई के घर पे पहुंचना है। अच्छा सुनो, मैं रेस्टोरेंट में टीवी देखने जा रहा हूँ, कहीं वो मेरे विजुअल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। लोकतांत्रिक जनता दल के लीडर भरतन पिल्लई अपने ही पार्टी के सदस्य सुगनन से बहुत ही दर्दनाक बदला लिया। घटनास्थल से कैमरामैन रेणु के साथ मैं रेणुका। हाँ ठीक है, आती हूँ। बैग मुझे दे दो, मैं संभाल के नीचे ले आती हूँ। सीधे घटनास्थल से कैमरामैन रेणु के साथ मैं रेणुका। ये तो वही है, कैमरामैन और वो रिपोर्टर। सर आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ आप दो लोगों ने मिलकर ये शूट किया। अच्छा तो उसकी लाश अभी भी वहीं लटक रही होगी। हो सकता है, पुलिस को अपनी छानबीन करने दो। इन लोगों ने छुपकर शूट किया होगा। अरे नहीं, ठीक सामने से, ये बचेंगे नहीं अगर गुंडों के हाथ लग गए तो। चल देखते क्या होता है। सर हम बर्तन पिल्लई के घर की तरफ जा रहे हैं। सर अगर पिल्लई मना करेगा तो क्या हम जबरदस्ती कर सकते हैं? सर हमें क्लब हाउस के लिए थोड़ी और फोर्स भेजनी ही पड़ेगी। ओके सर। वो देखो बर्तन पिल्लई का घर, पुलिस पहुंचने लगता है। आप देख रहे हैं भारत विजन, हम लोग भरतन पिल्लई के घर के सामने हैं। आपने देखा है कि सुगना का मर्डर? अरे हमने भी वही देखा जो टीवी पर दिखाया गया। पुलिस पहले ही उस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बड़ी बरामद हो रही है, उसके बाद जो भी होगा वो हमारे डिपार्टमेंट को उठाएगा। क्या कोई अरेस्ट भी होगा सर? अरे अभी हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। अरे रुकिए, चलिए क्या चाहते हैं आप लोग? जान से मारना चाहते हैं? मार दीजिए ना, कोर्ट और पुलिस की जरूरत नहीं है। आप सजा दे सकते हैं लेकिन पहले सच्चाई तो जान लीजिए। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ टीवी पर देखा है। अब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तब जवाब देगा सब कुछ। यही तो मैं कहना चाह रहा था। देखिए ये आपके सामने जिंदा है, यही वो है जिसको मैंने मार के लटका दिया था ना। अब मैं सच्चाई क्या बोलूं, इनसे ही पूछ लीजिए। मिस्टर सुगना, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने भी टीवी में ही देखा। और बाकी पिल्लई सर बताएंगे, इससे पिल्लई आपकी क्या राय है इसमें? मुझे कुछ भी पता नहीं है, उस कैमरामैन और उस रिपोर्टर लड़की की मुझसे क्या दुश्मनी है पता नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं है वो इस तरह के दृश्य कैसे तैयार करते हैं। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले एक टीम ने मेरे साथ ऐसा ही खेल खेला था। मुझे राजन कथा के साथ भ्रष्टाचार के कांड में फंसा दिया था जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष था। चलो हाथ लगा देंगे भारत विजन को, चलो। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? गलत गलत रिपोर्ट दिखा तुम लोग, जाने नहीं, फंसो जल्दी से जाके वैन में बैठो। आ जा रही है। अबू चलो बैठो। अबू
राइट ले लो, भारत मिशन चलते हैं। राइट लो, हम वहाँ सेफ होंगे। क्या राइट लो, मुझे स्टूडियो जाना है। बकवास मत करो, स्टूडियो जाकर क्या करेंगे? चलो पीछे, चलो। ओके सर, लेकिन ओरिजिनल फुटेज के बारे में। चलिए सर, चलिए सर, हमारे साथ चलिए, चलिए 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 सर, चलिए चलिए, मेरी बात मानिए। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। चलिए चलिए, नीचे उतरो। आज कुछ हिला देने वाले दर्दनाक दृश्यों ने लोगों को भी हिलाकर रख दिया जो केरला से संबंधित था। भारत विजन ने इसका प्रसारण किया था। कुछ देर बाद उस आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। मैनू बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अपने घर पे हो? मैं स्टूडियो में हूँ। मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बेसमेंट में हूँ। बिल्डिंग के बेसमेंट में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्डिंग में जाने की? अब मदद के लिए भारत विजन के पास जाओ। उसके लिए एक्सक्लूसिव कर रहे थे ना, वापस उसी के पास चले गए ना। अब जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू कहाँ है बताना गधे? फ्लैट में बस तू जाएगा, रेनू को साथ में लेके मत जाना। वो मैं देख लूंगा। ये बता, चाबी कहाँ है? खिड़की पर रखी है। और सुन, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा बहनू। ये लो। हाँ, ये बात तुम भी किसी को मत बताना, समझ गई ना? जल्दी आओ ना। भगवान, लगता है बिना पिए ही मर जाऊंगा। भरतन पिल्ले के घर के बाहर जब जनता आपे से बाहर हो गई, तो जनता भारत विजन स्टूडियो पहुंच गई। उसके बाद पुलिस वहां तब पहुंची जब जनता तोड़फोड़ मचा रही थी। जनता ने चैनल पे बहुत तोड़फोड़ मचाई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। गलत न्यूज टेलीकास्ट करने पर चैनल के सीईओ और डायरेक्टर विजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी। इसकी अम्मा ने इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? कमीना कहीं का बेवकूफ साला। वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, विजय कुमार सर को नहीं। क्या कहा? उस इन्फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स मुझे मिली थी। मुझे बताओ, वो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? बताओ ना, बोलो। उसी ने दी, मणिलाल ने। तो ये वही है जिसने हमें धोखा दिया है कि तो मणिलाल इनोसेंट है, मैं जानती हूँ। झूठ बोल रहा है वो, नौटंकीबाज है वो। और ये बात तुम कैसे कह सकती हो? वो क्या तुम्हारा भगवान है या तुम्हारा बाप है? वो मेरा भाई है। मैंने आज तक जितनी भी एक्सक्लूसिव न्यूज दी है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे उसी से मिली है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होती है। वो इनोसेंट है। पिल्लई को गुलदस्ता भेंट करना चाहिए। उसने एक ही झटके में सब कुछ हासिल कर लिया जो उस रात उसने खोया था। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर भरतन पिल्लई, क्लब हाउस वाली घटना गलत साबित हो गई, तो फिर क्या आप इसका भी दावा करेंगे कि जो 5 साल पहले आपने जो कथा सर से घूस ली थी, क्या वो खबर झूठी थी? क्या आप इस सच्चाई का दावा करते हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ गई है। मैंने 5 साल की सजा काटी है, जबकि मैंने अपराध नहीं किया था। जो जनता और पार्टी मेरे खिलाफ थी, आज वो सब मेरे साथ है। मुझे विश्वास है इंसाफ होगा। धन्यवाद मिस्टर पिल्ले। धन्यवाद। अरे बाप रे, देखना, अब हो सकता है मुझे तामपत्र भी मिल जाए। वो सब कुछ अब मुझे मिलेगा जो 5 सालों में मुझसे छिन गया था। उन दोनों का क्या हो रहा होगा? उनकी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो करें तो क्या करें। कैमरामैन वेणु के साथ रिपोर्टर रेणु का। सुनो, ये सीधी सादी गणित है, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो जैसे वेणु ने किया। मुझे तो अपनी खोई हुई इज्जत के बारे में सोचना है। उसका तो करियर ही खत्म। मैं उसी की तरह उसी की चाल चलूंगा, सेम रूटीन साइलेंट चेस करूंगा। पिल्ले सर, माना कि ये सब खतरनाक नहीं हो सकता, पर ये भी संभव है कि वो लोग हमारे पीछे फिर से आएंगे। लेकिन अभी नहीं वर्गीस, वो बाहर नहीं निकलेंगे जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। तब तक मुझे समय मिल जाएगा, क्योंकि अब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करनी है। आने दो उनको बाहर।
प्याज तो लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्याज। भूख लगी है तो मुझे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं कुछ नहीं दूंगा। कोई खटखटा रहा है। कोई कोई है बाहर? कोई है? कई चुड़ैल कहीं की। थैंक यू। ग्राउंड को अंदर बुला। ओके सर। सर ये वेनू का आईपैड है, सारे वीडियो इसमें। तो ये सारे ओरिजिनल फुटेज है? यस सर। गुड, खाली मत भेजना इनको। ओके सर। अभी साबित हो गया है कि सारे दृश्य झूठे थे। पुलिस ने वेनू और रेणुका के खिलाफ केस दर्ज किया है और वे उन दोनों की तलाश में पूरी तरह से जुटे हुए। बंद करो इसे। बहुत जल्द उनके पकड़े जाने की संभावना भी है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो बताओ। उसके लिए हमें कानूनी दाव पेच पता होने चाहिए। मैं मणिलाल को बुलाती हूँ। परमिशन क्यों मांग रही हो? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ? मेरा फोन वही DSNG वैन में ही छूट गया। तुम अपना फोन दे सकते हो क्या? रुको, स्पीकर ऑन करके बात करना। जो भी बात करोगी सुननी है मुझे। ओके। इस जगह के बारे में कुछ मत बताना। ए, मेरे पास रहकर बात करो। इसकी तो हेलो मणि, मैं रेणु बोल रही हूँ। रेणु कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। रेणु देखो, तुम किसी भी पार्टी मेंबर या फिर पुलिस वालों के हाथों में मत लगना। सभी तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे ये बात साफ साफ बताओ कि हमारे साथ ज्यादा वहीं पर रहना, सामने मत आना। रेणु अगर तुम पकड़ी गई तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखो अगर पकड़ी गई तो तुम्हारी बेल कम से कम 40 दिनों तक नहीं होने वाली। रेणु मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई पुलिस के पास सरेंडर करता है तो उसे 2 या 3 दिन में बेल मिल जाएगी और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर तुम्हें तो एक औरत होने के नाते बहुत जल्दी बेल भी मिल जाएगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मुझसे प्यार करता है, मुझे बचाना चाहता है, इसलिए ये सब बोल रहा था। तेरा मनीलाल, तू और तेरे दोस्त सब एक जैसे हैं, धोखेबाज। खबरदार जो मेरे सामने से हिली, तुम तो सब बताने वाली थी। FIR दर्ज नहीं किया गया है तुम्हारे खिलाफ अभी तक। बोलो, अपराधी बनोगे या गवाह? अभी भी टाइम है, क्यों एंथोनी? हाँ सर। हाँ, तुम बस इतना कह दो कि रेणु पे तुमको भरोसा था और तुमने उसके कहने पर ही उस वीडियो को टेलीकास्ट किया था। उसके बाद तुम छोड़ दिए जाओगे। और हाँ, चैनल का हेड वेणु था ऐसा तुमको कुछ पता चला था, बस और कुछ नहीं। इसके बाद भारत विजन पहले की तरह फिर से शुरू कर सकेगा। बोलो। हाँ, वो दोनों कहाँ हैं? वेणु और रेणुका? वो दोनों तो भागे हुए हैं। तुमको पता नहीं है क्या? सॉरी सर, लेकिन मैं उनका पीछा करने में लगा हुआ हूँ।
क्या ये यहाँ पे क्या नौटंकी चल रही है क्या? इसे पुलिस क्लब से क्या तुम लाए हो? नहीं सर, पिल्लई साहब कुछ पूछना चाहते थे सर। आपने पूछा नहीं कि मैं उनका पीछा क्यों कर रहा हूँ। मुझे इतना भरोसा तो है कि वो दोबारा कोई ऐसी स्टोरी नहीं दिखाएंगे जिसमें एक आदमी मर जाए और वो फिर से जिंदा हो जाए। क्यों ना मैं उनसे मिलकर पूछ लूं। विन्नी, जल्दी से ढूंढ लो उन दोनों को, समय तेजी से भाग रहा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। सुना तुमने? सुनो, आज रात के 10 बजे की न्यूज को न्यूट्रल रखना, समझ गए ना? और हाँ, उस रेणु की पॉपुलैरिटी इमेज को खत्म करना है हम लोगों को, बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगा। और वेणु, वो तो सिर्फ कैमरामैन था, उससे जो कहा गया उसने वही किया, हमें उसे बचाना ही होगा। उसके बाद हम धमाका करेंगे वेणु के इंटरव्यू के साथ। सर, इंटरव्यू यही होगा? चुप रहो, तुम जाकर अपना काम करो, जाकर शाम की न्यूज की तैयारी करो। ओके। चलो तुम लोग भी जाओ, सैलरी सबको टाइम पे चाहिए। अरे, एसपी सोमराजन सर का फोन है। हेलो सर। ऋषि, पुलिस तुम्हारे स्टूडियो में छापा मारने वाली है, उन्हें शक है कि वेणु वहीं छुपा हुआ है। चलो कुछ काम है, आओ। सुनो, अगर वो शूट करे तो उनका कैमरा छीन लेना सर। और तभी वापस करना जब पूरी फुटेज डिलीट कर दो, ठीक है? इंदु, साउंड रेडी है ना? रेडी। वीसीआर अपनी पोजीशन पर होगा, सिर्फ इंडिकेटर देखना okay. चाहिए। सर आ गए ऋषि। सर क्या हुआ सर? वेणु कहाँ है? कौन वेणु? ऐसे कितने वेणु को जानता है? इंदु, वेणु को बुलाओ। यस सर। क्या प्रॉब्लम है सर? उसे कुछ मत कहिएगा, सीधा है बेचारा। सर वेणु। क्या बात है सर? ये तो क्या हुआ सर? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? वो कहाँ है? वो तुम्हारा राउटर स्ट्रिंगर। राउटर स्ट्रिंगर यहाँ कहाँ मिलेगा सर? भारत विजन में काम करता है सर। मेरे साथ ऐसा खेल मत खेल, तुम्हारे जैसे से अच्छी तरह निपटना आता मुझे। बता कहाँ छुपा रखा उसे? सर कॉलर छोड़ दीजिए, सब लाइव चल रहा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा सर। लाइव? कोई बात नहीं। मिस्टर ऋषिकेश, एक जिम्मेदार चैनल के हेड होने के नाते तुम्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए। भाड़ में जाओ, बिल्कुल मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। मेरा ऑडियो कट करो। समीर, ऋषि का ऑडियो बंद करो। अब देखो ऋषि का कमाल। ओके मिस्टर ऋषिकेश, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो ये मेरा नंबर है, तो इस पर फोन करना, ठीक है? चलिए ध्यान से, ये लोग हमारी चिड़िया बना रहे हैं। चुपचाप निकल लो यहाँ से। ऑडियो ऑन। एक्सक्लूसिव खबरों की होड़ में शायद भारत विजन की रिपोर्टर रेणु को दाव पर लगा दिया गया है। सभी न्यूज चैनल अपनी खबर को ऊपर करने में लगे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं वो सब पिछली घटनाओं से संबंधित है। पुलिस वालों का व्यवहार मीडिया वालों से कैसा है? थोड़ी देर पहले हमारे स्टूडियो में डीएसपी बिन्नी आए थे, उन्होंने जो लिखा वो आपको दिखाता हूं। मैं तुझे बाहर देखता हूं कमीने, तू बाहर तो मिल मुझसे। अगर मैं आपको इस चैनल में ना दिखूं तो समझ जाइएगा कि मैं डीएसपी बिन्नी की पुलिस कस्टडी में हूं। झूठी खबर प्रसारित करने के संबंध में अभी अभी हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर आई है, जिसका संबंध विवादास्पद हत्याकांड फुटेज से है। जिस कैमरामैन वेणु को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने वाले हैं। हेलो वेणु, माफ कीजिए, हमारे टेक्नीशियंस फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो हेलो सर्वाइवल। हेलो वेणु। हेलो हेलो वेणु, आप सुन पा रहे हैं? अबे एक ब्रांडी की बोतल तो भिजवा दे। हेलो हेलो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, इतने दिन हो गए एक पैग नहीं पी पाया हूँ। हेलो, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए बहनों। असल में उस रात क्या हुआ था? होना क्या था, सारा का सारा उस पिल्लई का रचा हुआ नाटक था और हमारे प्लान पे ऐसी लात पड़ी है कि। हेलो बहनों। हेलो हेलो, लाइव हूँ। ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहते हैं हमें बताइए। हमारे बीच कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी फोन कॉल्स को भी न्यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बहुत ही घटिया हरकत है। अगर इस तरह का स्वार्थी रवैया छोड़ दोगे तो देश का भला हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर बेणु। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मुलाकात करते हैं।
पर लोकेट हो गया स्काई लाइन अपार्टमेंट। हाँ ओके सर, हमने वेन्यू को ट्रेस कर लिया है, वो काकीनाड़ा स्काई लाइन के अपार्टमेंट में है। वेरी गुड, लेकिन हमें फ्लैट नंबर नहीं पता लगा। अगर वहाँ मीडिया का कोई भी आदमी रहता है तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सर सर हाँ, तेरे सारे एहसान याद है मुझे, एक बार मदद मांगी और तूने मुझे बेच दिया। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारे मोबाइल की वजह से पुलिस ने तुम्हें ट्रेस कर लिया है। सोमराज सर ने मुझे कॉल किया था, जितना जल्दी हो वहाँ से निकल जाओ। इतनी रात को अब मैं कहाँ जाऊँगा? अभी वहाँ से निकलो तुम, दूसरी जगह का इंतजाम करके कॉल करता हूँ तुम्हें। ये क्या, कहाँ जा रहे हो? पुलिस ने हमें ट्रेस कर लिया, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ओह गॉड, एक मिनट, मैं वॉशरूम जाके आती मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? यहाँ। तो तुम मुझे पकड़वाना चाहती थी? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मुझे छोड़ के चले जाते। मक्कार, झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई बाथरूम नहीं आया था, मुझे पता चल गया था। कहाँ जा रही हो? तुम भी तो बाइक स्टार्ट करके मुझे छोड़ के जा रहे थे। मैं स्टार्ट करके तुम्हारा इंतजार करने वाला था। तो मुझे फ्लैट में क्यों बंद किया था? हाँ किया था मैंने, तो क्या करोगी? हाँ तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया। हमें से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ऐसे भगड़ों की तरह हम हर वक्त भाग नहीं सकते हैं। जब तक मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर लेता मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ठीक है, ये लो, मुझे पुलिस स्टेशन ड्रॉप करो और चले जाओ। ए, ज्यादा इमोशनल मत बनो। इमोशनल? मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ पॉपुलैरिटी का नशा। देखो अब यहाँ गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो, फ्लैशबैक मत जाओ। तुम रिपोर्टर मैं कैमरामैन, चलो अब चलते हैं, चलो बैठो। इन्हीं सब बातों में फंसे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। हेलो। हाँ बहनों, छुपने के लिए जगह मिल गई है। अलबुजा के आगे से पहला लेफ्ट लेना। हाँ। 1.5 किलोमीटर के बाद राइट साइड में तुम्हें एक लकड़ी का गेट मिलेगा, मैं वहीं मिलता हूँ। हाँ ठीक है। कौन था? ऋषि। Thank you.
मेरे फ्रेंड का समर हाउस है, वो बाहर रहता है। आ जाओ। मैं कल सुबह वापस आता हूँ। कल सुबह आता हूँ, हियरिंग एड लेकर तेरे लिए। और सारे न्यूज़पेपर भी लाना। हाँ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। भरत विजय ने तुम दोनों को फंसा दिया। विजय कुमार से ये बात पता चली है मुझे। ये सब कल उसको बता देना। इतना ही नहीं, और क्या? दिल्ली की खबर है, राउटर्स की जॉब से तुम्हें बैनू टर्मिनेट कर दिया गया है। और कुछ? और कुछ नहीं। भारतन पिल्लई को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्द उसके हक में फैसला होगा। ठीक है, चलता हूँ। अबू, हाँ ले जी। कपड़े हैं इसमें। ए, न्यूज़पेपर देना। हाँ ले। ऋषि सर ने आपके लिए ड्रेस भेजी है। थैंक यू। ले हियरिंग एड। ऋषि, हाँ, ये संजीव वैन में से तुम लोगों ने जो शूट किया था उसमें से ओरिजिनल फुटेज मिसिंग है। लेकिन ओरिजिनल फुटेज के बिना हम सच को सामने कैसे लाएंगे? वही तो उसका असली प्लान था, वही फुटेज ही उसका असली सबूत था। जब तक उस रेस्टोरेंट में ड्रामा नहीं हुआ था तब तक की सारी खबर बिल्कुल सही थी। आगे की कहानी भारतन पिल्लई ने लिखी। अगर ऐसा है तो राजन करथा का ही इसमें हाथ होगा। पता चला है कि वो पिछले कुछ दिनों से कोच्ची में है। वो उसी दिन यहाँ आया जिस दिन तुम दिल्ली से यहाँ आए थे। काश तूने ये नहीं कहा होता कि सीएम का शपथ समारोह जल्दी होने वाला है। हमारे पास समय बस तभी तक है। हमें सुगना को बात करने के लिए तैयार करना होगा। क्यों? बिल्कुल। क्या हुआ है? अरे बस तो यार, हमको टक्कर मार के चला गया मेरा हाथ। अरे आप सुगना है ना, जरा हाथ देना, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। संभाल के आराम से, आराम से। अभी भी पेन हो रहा है? नहीं, अभी कुछ ठीक लग रहा है। कपड़े हमेशा अच्छे पहनते हैं आप, खादी बहुत पसंद है आपको। ये टीवी वाले बकवास न करें इसलिए, सब बकवास है। ये वही गाड़ी है जिसने टक्कर मारी थी। अच्छा? हम भी बताते हैं उसको। आप बाहर मत निकलिए, मैं देखता हूँ उसको। रुकिए। ये सब क्या है? हम भी तो यही जानना चाहते हैं। पहले ये मरा फिर वापस जिंदा हो गया। ये आज के जमाने का अमर व्यक्ति है। पहले तो बाहर आने दो, फिर ये बताएगा कि ये अमर है। हाँ सही है। सुगना, हमने तुम्हें मरते हुए देखा था, हम ये जनता को भी दिखाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, जब तुम अचानक कुछ समय बाद जिंदा हो गए तो जनता भी कंफ्यूज हो गई और हम भी। हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उलझाएंगे। तुम्हें ठीक उसी जगह उसी रस्सी से लटकाएंगे जब तक कि तुम सच में मर न जाओ। हम इसको बड़े अच्छे से शूट करेंगे, फिर चैनल में टेलीकास्ट करेंगे। जनता पागल हो जाएगी कि किस पर विश्वास किया जाए। मैं कसम खाता हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे सच में लगा था कि वो मुझे मार देंगे। मैंने ही उस घूस वाली खबर के बारे में मनीलाल को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस खबर को आप लोगों ने गर्मा गर्म बना करके अपने चैनल पर चलाया था। अभी कुछ दिनों पहले पिल्लई सर को पता चला कि उस खबर को आउट करने वाला आदमी मैं ही था। मैं पिल्लई सर के पैरों में गिरा गिड़गिड़ाया, माफी भी मांगी लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद
फिर एक दिन उन्होंने मुझे सुगना मेरे साथ चल, भारत में पिल्लाई सर बुला रहे हैं। हेलो, क्या है सर? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये छोड़ो मुझे सर, ये अच्छी बात नहीं है सर, मैंने आपसे माफी मांग ली थी सर। चर्च में अच्छे आदमी के सामने गुनाह कबूल करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ सुगना। रेडी है सर, ऊपर खींचो इसे। कैसा लगा, ठीक है ना? हाँ। तुम्हारे जाने के बाद वो वापस आए, ये क्लोरोफॉर्म उसे सुना दो ताकि वो होश में ना आए, ठीक है? ये लो। इसके बाद वहां से उतार कर वो मुझे पिल्लई सर के घर लेकर गए। जब जनता पागल हो रही थी तब उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। मैं ही नकली आदमी था सर, वही नकली जिसकी हत्या होने वाली थी। नकली? हाँ सर, उस क्लब हाउस में एक और हत्या होने वाली है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मेरे साथ हुआ, ठीक उसी तरीके से। कौन कौन करेगा ये? मुझे पता नहीं सर, लेकिन इतना जरूर पक्का है कि ये सब होगा जरूर, और वो भी 12 की रात को। तुम्हें कैसे पता है सब? ये सब मैंने पिल्लई सर के असिस्टेंट वर्गीस के मुंह से ही सुना था सर, वो भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने मुझे पकड़कर लटकाया था। वो कह रहा था कि जैसे हमारा काम खत्म होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमारी टिकट्स ऑलरेडी बुक हैं, वो लोग तभी लौटेंगे जब पिल्लई साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अबू सर, सुगना को लेकर जाओ और हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देना। तुम्हें पता है ना कि अब कौन मरने वाला है? वो तुम हो। तुम्हें मारकर पिल्लई हमें इस जुर्म में फंसाना चाहता है। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अगर भागोगे तो भी भाग नहीं पाओगे। याद रखना हमारी मुलाकात नहीं हुई है, 12th को हम लोग वहां होंगे शूट करने के लिए। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा सुगना, तुम्हें तुम आराम से जाओ। अबू। हाँ सर। सुनो, मनीलाल को कहो दोपहर से पहले मुझे मिले, उसी ने ये सब शुरू किया है ना। हेलो मणि, तुमसे जरूरी बात करनी है, कल यहाँ जाओ। अरे हुआ क्या? बताऊंगी, हमने इस झमेले से निकलने का एक रास्ता सोचा है और तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, आता हूँ। क्या सोच रहे हो? बेचारा। वो बेचारा है? हाँ। कमाल का एक्टर है वो, झूठ बोलकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। ऐसा क्या? हमने उसे नहीं ढूंढा है, पिल्लई ने उसे हमारे यहाँ भेजा है। क्या कह रहे हो? पिल्लई के ड्रामे का ये अगला दृश्य है। इसकी कहानी पर विश्वास करते हुए मैं और रेणुका 12 की रात वहाँ ओरिजिनल मर्डर शूट करने जाएंगे। करता और उसके लड़के वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मारने का प्लान बनाया है। सिंपल। ये तो और भी मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है। यस। अगर हम आजाद रहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर इस मामले को आगे बढ़ाना है तो सच्चाई सामने लानी होगी, नहीं तो हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, हम हमेशा के लिए गुनहगार बन जाएंगे, पुलिस, सरकार और मीडिया। इसलिए 12 की रात को वहां जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया गया है, अगर हम बच गए तो हम वापस सब कुछ हासिल कर लेंगे और पिल्लई के राजनीतिक जीवन का अंत हो जाएगा। हार गए तो? तो मौत मिलेगी। सीधी तरह कहूं तो हम आत्महत्या के लिए जा रहे हैं।
ट्वेल्थ को हम वो घटना शूट करने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए शूट तो करना ही है। कितनी अजीब बात है, हम जो शूट करने जा रहे हैं उसे कोई भी चैनल ऑन एयर नहीं करेगा, यहाँ तक कि ये एनबीआई भी नहीं। वैनु, हमारा तो बहुत छोटा चैनल है, अगर तुम ये स्टोरी किसी बड़े चैनल को देना चाहो तो बता देना, मैं अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहता। ठीक है, मैं इसे अकेले शूट करने जाऊंगा। मैं आना चाहूं तो? धोखा करोगी जैसे हमेशा करती हो, कोई जरूरत नहीं आने की, मैं खुद जाऊंगा। लेकिन इस घटना में तो मैं भी इन्वॉल्व हूं ना, मैं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो मैं आऊंगी। तुम भी जाओ, मुझे प्लान आउट करने दो। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ बातें सुन रही हूँ, जिसे देखो वो सुना रहा है। मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, ना मुझे कोई उम्मीद है, और तुम लायक भी नहीं हो। तुम्हें विश्वास दिलाने की मुझे जरूरत नहीं, जिस पर विश्वास किया था वो तो कभी मेरे लिए आगे आया ही नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारे कोई फालतू बकवास नहीं सुननी है। मुझे भी। क्या कहा? ये एक सोशल इशू है जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तुम चाहे कुछ भी कहो मैं दूर नहीं रह सकती। ये सब वो तुम्हें मरने से बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि कभी तो तुम उसके दिल में थी, थोड़े समय के लिए ही। अभी वो बेनु सीधा मौत के मुंह में जाने वाला है। क्या कहा? अब कुछ नहीं। बताओ ऋषि, मुझे बताओ क्या चल रहा है वहां। सुगना की जगह तुम लोग मरने वाले हो, तुम और बेनु। तुम अब भी जाना चाहोगी? अगर ये सब जानने के बाद भी मैं वहां नहीं गई तो भी मर जाऊंगी ऋषि। मुझे लगा था कि जब वक्त आएगा मैं बता दूंगी कि असल में क्या हुआ। मैं तो एक सही मौके का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ इस काम में जुड़ गई। लेकिन मुझे कभी उसे सच बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कोई चीटिंग नहीं की ऋषि। उस दिन जब पुलिस के डर से वेनु ने मुझे वैन में भेज दिया, तब मैं अपने ही स्टूडियो के रास्ते, सॉरी, तुम्हारे स्टूडियो के रास्ते में ही थी। ओह नो, अबू जल्दी करो, 9:15 हो गए हैं, एडिट करके ऑनर होने का टाइम 10 बजे है। चिंता मत करो रेनू, 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। मणि, काम हो गया, मैं फुटेज लेकर स्टूडियो ही जा रही हूँ। रेनू, मुझे पता है, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, वेणु को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? पुलिस तुम्हारा भी पीछा कर रही है। ओह गॉड, अब क्या करेंगे? मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ, ब्लैक इनोवा में। उस गाड़ी से उतरो और सीधे मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ, यहाँ तुम सेफ रहो। अब गाड़ी रोको। पर रेनू, हमें अब रोको ना। जल्दी करो, हमें 10 बजे से ऑन एयर करना है। भारत विजन से सैलरी लेती हो और एनबीआई के लिए काम करती हो? लेकिन सर, अब मैं आपकी स्टाफ नहीं हूँ, 5 दिन पहले ही मैंने रिजाइन किया है। हमें ऐसा कोई रेजिग्नेशन नहीं मिला, और अगर मिल भी गया हो तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मणि, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। मणि, चलते रहो, अगर गाड़ी रुकी तो ये फुटेज सीधे भरतन पिल्ले के घर पे ही टेलीकास्ट होगा। सीधे स्टूडियो चलो। इस स्टोरी को भारत विजन पे चलाने के लिए 2 लाख रुपए मेरे से पहले ही ले चुका है। तो फिर ये एनबीआई की लॉन्चिंग स्टोरी कैसे बन सकती है? मुझसे गलती हो गई सर, इसने एनबीआई को कमिट किया, मुझे नहीं मालूम था। मैं खुद ही आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा सर, प्लीज। ए, वो सब बात खत्म, अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सर, लेकिन पैसे की बात नहीं है, अगर तुम ये स्टोरी यहाँ पर चला देती हो तो जूनियर रिपोर्टर के बदले सीधे एडिटर की पोस्ट पर मैं तुम्हें बिना किसी फॉर्मेलिटी के बैठा दूंगा, समझी? मणि, इनसे कहो मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी फुटेज चाहिए। सर, ये कहानी सिर्फ एनबीआई की है। मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा, ये एनबीआई के लिए स्टोरी नहीं है। भारत विजन की इस कुर्सी पर पहले ऋषि बैठता था, और अब मैं। अच्छा, अब उसी ऋषि के चैनल की लॉन्चिंग के लिए कहानी मैं उसे दे दूं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना बेवकूफ नहीं हूं। मणि, इनके लिए ये चैनल्स की लड़ाई हो सकती है, लेकिन मेरे लिए किसी के विश्वास की बात है। मणि प्लीज, मैं और वेणु हम लोग कल शादी करने वाले हैं। सर प्लीज। हाँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। ओके, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं ये फुटेज ऑन एयर नहीं करूंगा, लेकिन
एनबीआई को भी नहीं बनने दूंगा। समझाओ कैसे? सिंपल, मैं भरतन पिल्लई को ये फुटेज दे दूंगा, एनबीआई चैनल ऋषि के लिए एक सपना रह जाएगा। और वेणु पुलिस की हिरासत में, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका क्या होगा। तुम्हारे पास इतना समय है, भरतन पिल्लई जब तक ये कॉल ना उठा। सर प्लीज, सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुनिए सर, रेणु का भविष्य खराब हो जाएगा। हेलो भरतन पिल्लई सर? हाँ भरतन पिल्लई। उसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली हो गई, कुछ समझ नहीं आया। भारत विशन की नौकरी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रेनु, ये बात तुमने 5 साल तक गॉड मैंने कभी बताता हूँ? ऋषि नहीं, वेणु को भी पता चलना चाहिए। उसे अभी मत बताओ वरना वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा। उससे जो जुड़े होते हैं उसकी बहुत केयर करता है। प्लीज अभी मत बताओ। ठीक है। कौन सी सीक्रेट मीटिंग हो रही है उनकी? कहीं ये धोखेबाज हमारे साथ दोबारा धोखा ना कर दे। नहीं, इतना भी स्वार्थी मत बन। अबे तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ? इसीलिए मैं वैसा ही चाहती थी। मनीलाल, मैं कह रहा था इस शूटिंग में तुम्हारी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है। अपनी बहन को समझाओ कि वो मेरी बात न टाले। वेणु, और कोई रास्ता है क्या? तुम्हारे पास हो तो बताओ। मणि, मैं बताती हूँ। आज 10 तारीख है, परसों 12 हो जाएगी। अगर हम लोग इस चीज को अच्छे से शूट कर देंगे कि हम लोग मरने जा रहे हैं, तो पिल्लई और कर्ता की नियत का पता चल जाएगा। पर इसे कैसे और कौन शूट करेगा? क्लब हाउस या फिर उसके आसपास में शूट करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर? हाँ बताता हूँ। 500 मीटर दूर क्लब हाउस से आधा किलोमीटर दूर एक स्टेडियम में कैमरा लगाएंगे। पवेलियन के कमरे को टेलीस्कोपिक लेंस के साथ हम वहाँ पर सेट करेंगे। ऋषि का कैमरा क्रू उसको ऑपरेट करेगा। हम ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि 12 की रात को हम सुगना का मर्डर कवर करने वाले हैं क्लब हाउस में। हम उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेंगे, उनके साथ हाथापाई भी हो सकती है और शायद फिर वो हमें पकड़ लेंगे। अगर पिल्ले करता वहाँ आएगा तो फिल्मी डायलॉग मारेगा जरूर। तो फिर ऑडियो? मेरी जेब में एक वॉइस रिकॉर्डर भी होगा। हमारे शूट करने के बाद तुम और अबू बीच में आ जाना। देर मत करना दोस्त, वरना जिंदा नहीं बचेंगे। आ जाएंगे सर। मुझे एक चीज का डर है। जिनको डर लग रहा है उन्हें आने की जरूरत नहीं है। उसकी बात तो सुन ले, क्या कहना चाह रही है बताओ। अगर किसी वजह से हम ये शूट नहीं कर पाते हैं तो पिल्लई और काटा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएंगे। हम चांस नहीं ले सकते, इसलिए। वही तो मैं बताने जा रहा था बेवकूफ, बीच में बोल देती हो। ये सिर्फ एनबीआई के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं होगी। तो फिर? हम 2 और चैनल को शूट करने के लिए बुलाएंगे जिसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसलिए मनीलाल को बुलाया। तुम अकेले ऊपर आना चाहते हो? ये नहीं हो सकता, ये स्टोरी सिर्फ एनबीआई चैनल पर चलेगी। पर भाई कुछ नहीं सुनना मुझे, इसी स्टोरी पर सारी उम्मीदें टिकी हुई है मेरी, काफी प्लान करके बैठा हूँ मैं। पर ये एक्सक्लूसिव की बात हमारी दोस्ती में कहाँ गई? तुम्हारी दोस्ती से मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ खोया ही मैंने। मैं इस स्टोरी को अकेले ही करूंगा मेरे चैनल पर। अगर नहीं किया तो? अगर ना है तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। तो ठीक है फिर, तुम ये कहानी नहीं कर रहे। अबू गाड़ी निकालो। ऋषि, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? सर आप खुद ही निकाल लीजिए ना। ऋषि, ऋषि प्लीज। क्या है, कोई मर गया क्या? यहाँ हर कोई अपना फायदा सोच रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरा कैमरा ऑपरेट कर लेगा ये अबू? सुनो मनी, जानते हो परसों 12 तारीख है, हम अपना कैमरा कल स्टेडियम में सेट करेंगे। तुम और 2-3 चैनल को भी लगा दो, मुझे भी बता देना। हाँ। स्टेडियम के नॉर्थ में इस गाड़ी को पार्क करना।
जब अंधेरा हो जाएगा तब हम वहाँ आ जाएंगे। ओके सब कुछ तैयार कर लो। हाँ अबू, हाँ इंतजार मत करना। हाँ हमें टाइम लगेगा जी सब कुछ सेटअप करने में। ओके ओके हमें यहाँ बहुत ही लिमिट में काम करना पड़ेगा। पहले सारी पॉसिबिलिटीज देखो और फिर एक जगह फिक्स कर लो। दिया है हमारा कैमरा भी टूट गया। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। छोड़ो मुझे। वेनु यहाँ क्यों रुके हो? चलो यहाँ से। कुछ नहीं हो सकता, कैमरा भी टूट गया है, हम शूट कैसे करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ठीक है? अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। मुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी सर, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। आपके सारे कैमरे तो ये पड़े हुए हैं, अब आप अपनी शूटिंग कैसे करेंगे? क्या दिखाएंगे सारी जनता को? हाँ
निकाल तो फोन करो। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। इसकी बॉडी पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। इन दोनों को अभी लटकाना है, लेकिन मर्डर नहीं आत्महत्या लगनी चाहिए। इतनी नजदीक की चीज को शूट करने के लिए बायनोकुलर क्यों लगा रहा था तू? तू जैसे कीड़े के लिए बिनोकुलर नहीं, माइक्रोस्कोप चाहिए। मैं तुझे छोड़ूंगा। क्या रहा है? कहाँ गए तेरे बाकी के सारे गवाह? वो चैनल वाले जो तुझे बीच में ही बचाना चाहते थे, देखते कौन आता है। जब तुमने इसे छोड़ा तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। हाँ देना बंद कर और बुला उस घटिया आदमी को। वो पिल्ला ही कैमरे में हाथ हिला रहा था, अब चूहे के बिल में चुप गया है। ओ बंद कर। मैं क्यों छुपूंगा वेणु, छुपते तो तुम लोग हो। वेणु, मणिलाल को भी इन लोगों ने पकड़ रखा है। मैंने उसके फोन की घंटी सुनी, वो यही आसपास है। मणिलाल बाहर आ जा, अभी थोड़ी सी झिझक होगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेणु, मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं मारूंगा यहाँ पे। थोड़ी देर में यहाँ से दूर चला जाऊंगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है और यही सच्चाई है। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता भाई। लोगों के बेडरूम और बाथरूम में कैमरा लगाकर उनकी चीजें रिकॉर्ड करते हो और उसे मीडिया एक्टिविज्म का नाम देते हो तुम लोग। यही सही इलाज है तुम लोगों का। ठीक है, तो दो मीडिया के लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्होंने अपना मान सम्मान खो दिया। क्या कहते हैं सर? तुम लोगों को आखिर में कुछ कहना है क्या? मुझे तो नहीं कहना, लेकिन इसे कहना। तुम्हें साइन ऑफ नहीं करना है, अब तो हम मरने वाले हैं। चलो कहीं पर भी देख कर बोल दो। सीधे घटनास्थल से कैमरामैन वेणु के साथ मैंने रुका। यहाँ पे कैमरा है? अपने सारे लोगों से कहो कि यहाँ और कैमरे लगे हैं, कैमरा मिले तो तोड़ के फेंको। आप इस तरह से बौखलाइए मत, जान बचाने के लिए ये इनकी चाल है। लटका दो इन दोनों को। टाइमिंग सही है ना? बिल्कुल टाइम पे आए। पूछ रहे थे ना बाकी की मशीनें कहाँ लगाई हैं? तो वो देखो, आगे खोल कर देखो। देखो कितने सारे कैमरे लगे हैं। ये
और चैनल्स के नहीं, सिर्फ एनबीआई के हैं, क्योंकि ये एनबीआई चैनल के लिए एक्सक्लूसिव था। मनीलाल, जब ऋषि वहां गुस्से से गया था तो तुम्हें लगा हम अलग हो गए? जब भी उसकी जरूरत पड़ी है वो मौजूद रहा है 24 घंटे। जब मुझे पता चला कि वो तुम ही हो जिसने वो स्टोरी फिक्स की है भारत विजन के लिए, मैं तभी समझ गया था कि तुम इनके दलाल हो। दर्द कान के नीचे, जो करना कर लो उसके साथ। पर मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ करना है। ये कुछ पर्सनल है। चलो जल्दी। इधर आ गवार, यहाँ 7-8 कैमरे और लगे हैं, लेकिन जहाँ कोई कैमरा नहीं था वहीं पर तुमने साइन ऑफ किया। इधर आओ, वहाँ देखकर बोलो। बोलो ना। कैमरामैन वेणु के साथ, मैं रेणुका। कैमरामैन वेणु के साथ, तुम्हारी रेणुका।